Alter F3 हो रही। अब आपको कंपनी का नाम बदलना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर देना। हमने यहाँ कर दिया महासंघ ग्रुप, सिर्फ इतना नाम दे दिया, 5 हटा दिया, क्लियर। एंटर कर देंगे, और कोई चेंजेस भी करना हो तो आप कर सकते हैं। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे में वेट चल देखिए कंपनी का नाम क्या हो गया, महासंघ ग्रुप आ गया। इस टाइप से आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। अब अपन Alt+F1 से बाहर चलते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ F1 प्रेस करते हैं। अब आप देखिए कंपनी का नंबर क्या था, यही था। एंटर करें, पासवर्ड क्या दिया था, 123। एंटर करें, नाम चेंज हो गया, क्या रहा है, महाताल गुरु कर लेंगे। अब Alt+F1 से बाहर चलते हैं। अब हम इसमें F1 प्रेस करते हैं। अब हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट कंपनी जो अपन ने बनाई थी, सर्च कर लेते हैं। महाताल गुरु नहीं, शायद महाकाल 5 के नाम से बनाई थी, यही है। एंटर करते हैं, यूजर नेम दिया था ICIC, पासवर्ड दिया था 1234। एंटर करें, सेकंड टाइम आपने पासवर्ड दिया। अब आपको चेंज करना है, क्या प्रेस करेंगे, Alt+F3 और A आ जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं। जैसे अब हमने यूजर नेम क्या डाल दिया, महाकाल डाला, पासवर्ड कर देते हैं 1234 5। पहले कितना था, 4 था, कितना कर दिया, 5। एंटर करें, रिपीट बोल रहा है 1234 5। अब एक ऑप्शन उसने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, ओल्ड पासवर्ड, पहले नहीं आता था। अब अपन पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, पहले क्या दिया था, 1234 यही दिया था, आप यहाँ पे डाल देंगे। एंटर करेंगे, एंटर हो गया। अब HDFC बैंक चले, अब अपन क्या प्रेस करेंगे, Alt+F1 कंपनी से बाहर आ जाएंगे। अब F1 प्रेस करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करें अपनी, महाकाल 5 के नाम से थी। एंटर, पहले क्या यूजर नेम दिया था, ICICI दिया था, हमने डाल दिया यहाँ पे ICICI, पासवर्ड डाला था 1234, नहीं ले रहे, गलत है। अब क्या दिया था, महाकाल, पासवर्ड 1234 5, ले लिया, चेंज हो जाएगा, आ जाएगा, कर लेंगे। पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड था, उसमें पुराने वाला डाला था। और नए जो उधर देखिए अपन ने Alt+F3 प्रेस किया, ए से Alt, ठीक है। अब इसमें नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में क्या डाला हुआ है, ये अपना यूजर नेम होता है, इसमें क्या डाला हुआ है, माँ था, हमने इसमें क्या डाल दिया, ICICI, चेंज कर दिया। यहाँ हमने पासवर्ड कितना दिया था, 5 वर्ड का दिया था, 1234 5। अब हम इसको कर दे रहे 1 2 3, क्लियर, हाँ। यहाँ भी हमने कर दिया 1 2 3, चेंज कर दिया। अब ओल्ड पासवर्ड क्या था, 1234 5, क्लियर, एंटर कर दिया। फिर अब HDFC बैंक चल, अब Alt+F1 से बाहर F1 प्रेस करेंगे, अपनी कंपनी था ये है महाकाल 5 के नाम से। एंटर करेंगे, क्या यूजर नेम था, ICICI, पासवर्ड क्या था, 1 2 3, देखिए ओपन हो गया। अगर पुराना वाला डालते महाकाल और 1 2 3 4 5 तो नहीं ओपन करता, क्योंकि वो पासवर्ड चेंज हो गया, तो वो उसको गलत बताएगा, आ जाएगा। अब Alt+F1 से बाहर चलते हैं, अब थर्ड कंपनी और ओपन करते हैं, ठीक है। थर्ड अपनी यही है, F1 प्रेस किया अपन ने, सिलेक्ट कंपनी पे आ गए, यही है अपने। yes. इसका यूजर नेम क्या था, सॉरी टेली वॉल्ड पासवर्ड है, पहले क्या था, 1 2 3, यूजर नेम क्या था, ICICI, पासवर्ड 1 2 3 4, ओपन हो गया। अब इसमें प्रेस करें Alt+F3 और A से Alt, इसमें दो पासवर्ड दिए थे, लेकिन कौन सा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, A, दोनों यूज किए थे, टेली वॉल्ड और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज कितना कर पा रहा है यहाँ, A, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल वाला आ जाएगा। अब जो फर्स्ट वाला रहता है वो पासवर्ड आपको यहाँ से चेंज नहीं आ जाएगा, उस पासवर्ड को आपको डायरेक्ट तोड़ना पड़ता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ तो आप वही पासवर्ड याद रखें, चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप पासवर्ड भूल रहे हैं कंपनी का, कंपनी आपको ओपन करना है, तो आप उस पासवर्ड को तोड़ सकते हो, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, आ जाएगा अभी इतना। इसके बाद ही आप देखेंगे इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं, आपका एक ये है 18 नंबर पे है वित्तीय वर्ष बढ़ाना लिखा हुआ। वित्तीय वर्ष क्या होता है, अपना करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीरियड लिखा हो रहा है, अपन इस पे क्लिक करते हैं, F2 है, मतलब किसके साथ प्रेस करना है, एक लाइन आ रही है तो Alt के साथ, ठीक है, Alt+F2
फर्स्ट टाइम जो फ्रॉम में डेट डाली है वो आपको वही डालना है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपन इसको कर दें 8 अप्रैल 2024, और इसको आपने कर दिया 31 मार्च 2025, चेंज कर दिया, देखिए नहीं ले रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसमें आपने क्या डालना है, क्या था पहले 8 अप्रैल 2023 ये था, उसमें वही रहने देना है। अपन को इसको फाइनेंशियली बढ़ाना है। इसमें अभी कितना था पहले 2024 था, नॉर्मल अपन एचडीएफसी बैंक चलते हैं बिना चेंजेस किए, ये है 2024 है, अपन इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, टू में कितना लेते हैं ये 31 मार्च 2025, पहले 24 था, आप कितना कर देंगे 25। शायद अभी आया नहीं है इसलिए नहीं बढ़ा रहा, रखी है अपन यहाँ पे दूसरी थंबनेल क्रिएट करते हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 8 अप्रैल 2022, ठीक। अब एंटर करके सेव कर देते हैं, क्योंकि अभी 2024 आएगा, अभी अपना क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, 24 तो अप्रैल नहीं आया, अप्रैल के बाद अपन 25 कर सकते हैं, 8 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, अभी अपना अप्रैल से 24 नहीं है। अब अपन करते हैं यहाँ पे अल्टर F2, अब इसको अपन कर देते हैं 31, शायद हम यहाँ 4 डाल रहे थे, हो सकता है इसलिए नहीं बढ़ रहा, हमने शायद 4 डाला था ना इसीलिए नहीं बढ़ रहा होगा, हमने ध्यान नहीं दिया था। अपन यहाँ कर देते हैं 2024, एंटर कर देते हैं, देखिए बढ़ गया। इसमें शायद 2025 भी ले लेगा, हमने शायद इसको 4 कर दिया था इसलिए नहीं बढ़ रहा, सॉरी 2025 भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि हम क्या डाल रहे थे वहाँ पे अप्रैल डाल रहे थे 31 अप्रैल, आपको क्या डालना है 31 मार्च। ये बुक बिजनिंग में जो आप डालते हैं उसके नीचे डेट आती है बुक बिजनिंग, एक आती है फाइनेंशियल ईयर वाली, इतना आ गया आपको यहाँ पे, ये बड़ा नहीं है। आप अल्टर F1 से बाहर चलते हैं, F1 सॉरी कंपनी की डेट पे चलते हैं, ये वाली डेट रहती है बुक बिजनिंग, जो डेट आप इसमें डाल दो करंट डेट में, क्लियर। अब बढ़ा लेंगे कंपनी का वित्तीय वर्ष बढ़ाना आ जाएगा अल्टर F2, ठीक है चल नहीं। अब आज के लिए इतना करना, आगे